हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हो? आए हो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज एक नई सुबह के साथ नए ब्लॉग को मैं शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के यहाँ और मैं रेडी हो चुकी हूँ। खाली मुझे लिपस्टिक लगाना है और नाश्ता करना बाकी है। नाश्ता करूँगी, कैब बुक करूँगी, निकलूँगी। तो आज मेरा जो 3-4 बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा था, नहीं हो पा रहा था, तो आज सोच रही हूँ सारे काम को ख़त्म करूँगी, क्योंकि हमेशा हस्बैंड साथ में जाते हैं तो नहीं हो पाता है। और आज मैं इसीलिए सुबह सुबह निकल रही हूँ। अभी ये अराउंड 9 बज रहा होगा, तो जल्दी जल्दी मैं निकलूँगी तो आज सारे काम ख़त्म कर पाऊँगी। कुछ डॉक्यूमेंट्स के काम है और कुछ बैंक के भी बहुत सारे काम है, तो आज वो सारे कंप्लीट करूँगी। तो देखती हूँ कहाँ से कहाँ हो, कितना हो पाता है, वो सारे देखूँगी। तो चलिए अभी मैं निकलती हूँ, निकलने के बाद मैं आप लोगों से कैब में मिलती हूँ। बाय बाय। सो गाइज़, ये है मेरा नाश्ता, ब्रेड, मैगी और दूध। और ब्रेड में मैगी लगा के आपने कभी खाया है? मैं यहाँ पे आके खाना सीखी अपने ससुराल में, ब्रेड में मैगी लगा के बहुत यम्मी लगता है, खा कभी ट्राई करके देखिएगा। तो गाइज़, मैं निकल चुकी हूँ और मेरा कैब बुक नहीं हुआ, बुक हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो इसलिए अभी मैं डिसाइड की हूँ कि मैं ऑटो से ही जाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। तो इसलिए मैं सोची कि मैं ऑटो से निकल जाती हूँ, क्योंकि कैब के चक्कर में रहूँगी तो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो चलिए अभी के ऑटो से ही निकलती हूँ। तो गाइस, ऑटो में बैठ चुकी हूँ। पहुँच गए मम्मी के यहाँ, तो चलिए ऊपर जाते हैं। सो गाइज, मैं पहुंच गई मम्मी का घर और सच में आज बहुत रास्ते में गर्म है। मैं स्वेटर डाल के तो आई थी, पर अभी आके उतार दी हूँ। और अभी मैं पहुंची मम्मी के यहाँ, तो ये है मम्मी। मम्मी बना रही है खाना, बना रहे हैं। मेरा बेटी आई, उसको खिलाऊंगी। अच्छा अच्छा इसीलिए पहले से हम बना के रख दिए। और तब क्या बना रहे हैं मेरे आने के खुशी में? आलू गोभी का सब्जी बना रहे, गाजर का हलवा बना रहे और दाल बना रहे और चावल रोटी। और कितना कुछ बना रहे मेरे लिए, कितना। चलिए ऊपर चलते हैं, देखते हैं सब क्या कर रहे हैं। मुझे देख के इतना खुश हो रही है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स का बात बोले थे उस डॉक्यूमेंट्स के लिए अभी फोटो खिंचाने जा रहे हैं। मम्मी, हमारा गोलू भी जा रहा है। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, अब फ़ोटो खिंचवाने के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लाइन है। तो देखते हैं कितना देर में कंप्लीट होता है। तो बाकी सारा काम तो हुआ नहीं, बस यही काम में रह गई। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ, अपने घर निकल रही हूँ। नीचे कैब आ चुका है और मेरे साथ जा रहा है कौन, ये मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाती हूँ। चलिए मिलती हूँ कैब के अंदर। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा कि कौन मेरे साथ चल रहा है। जी हाँ, ये कैंडी है। कैंडी मेरे साथ मेरे घर जा रहा है, कुछ दिन रहेगा मेरे साथ। तो चलिए मैं आप लोगों से घर जाकर मिलती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा है, इसको संभालना मुश्किल हो जा रहा है अकेला अकेला।
सो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर और आप लोगों ने देखा है कि मेरे साथ कौन आया है। तो जी हाँ, मेरे साथ कैंडी आया है, वो हमारा पेट है। तो अभी मैं उसको कुछ दिन के लिए लाई हूँ, देखती हूँ अगर वो मेरे पूचू के साथ, मतलब मेरे रैबिट, जो मेरा रैबिट है उसके साथ अगर वो एडजस्ट कर लेता है तो आगे सोचूंगी। कि अभी तो वो कुछ दिन के लिए आया है और उसको फिर हम फिर से मम्मी के यहाँ छोड़ आऊँगी कुछ दिन बाद। तो यहाँ पे वो थोड़ा दिन के लिए घूमने आया है, तो घूम देखते हैं कितना दिन वो एडजस्ट कर पाता है उसके साथ। और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने, ड्रेस चेंज करने, क्योंकि वो उसने कैब में उल्टी कर दिया था। तो और उसका आदत है, वो गाड़ी में ट्रैवल नहीं कर पाता, उसे वोमिटिंग हो जाता है, तो उसने कर दिया था। तो चलो, मेरी ड्रेस तो ख़राब नहीं हुई थी बट, और कैब वाला भी बहुत अच्छा था। तो अभी जाती हूँ ड्रेस चेंज करने, क्योंकि सच बोलूँ मुझे तो ये सबसे बहुत उबाक आती है। तो अभी मैं जा रही हूँ ड्रेस चेंज करने। ड्रेस चेंज करके टाइम होता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर आज शेयर करूँगी कि मेरी सिस्टर लोग हम लोगों के लिए दुबई से क्या लाई है, और नहीं होता तो मैं कल आप लोगों के साथ इसी वीडियो पे शेयर करूँगी कि मेरी सिस्टर लोग क्या लाई है। तो चलिए पहले जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ। हाय गाइस, कल मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सुबह के इतना आना जाना से मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और फिर कैंडी को भी लेके आई थी तो उसका भी खाना वगैरह सब था, तो उसकी वजह से और देरी हो गया था। तो लेट होने की वजह से मैं सोची कि और वीडियो नहीं करती हूँ, क्योंकि थक गई हूँ और उस टाइम पे एनर्जी भी नहीं आता है कि मैं सही से आप लोगों को कुछ दिखा पाऊँ, तो इसलिए कल मैं और वीडियो नहीं की थी। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी सिस्टर लोग दुबई से मेरे लिए और सुकेंदु के लिए क्या लेके आई है। तो चलिए, तो ये दोनों डब्बा है, इसके अंदर क्या है गेस करिए क्या है। सर मैं बता देती हूँ, इसके अंदर है वॉच। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, ये वॉच मेरे लिए है और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, देखिए। और इसका एक चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैग्नेट है, ये देखिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मुझे ये वॉच बहुत पसंद है। वैसे भी मुझे वॉच तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो ये वॉच मुझे बहुत पसंद आई। दूसरा पेस मेरे हस्बैंड के लिए भी वॉच लाई है, मेरे हस्बैंड को भी ये वॉच बहुत पसंद आया है। इसमें सब कुछ है, मिनट, सेकेंड, आवर, सब कुछ है इसमें। तो ये वॉच है, और एक ये परफ्यूम लाई है, इसकी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी है ना, मुझे सच में ये फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगी। सच में ऑसम है, ऑसम, मुझे सच में ये यूनिक है। लेडीज एंड जेंट्स बोथ है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सच में मुझे इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी लगती है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स लाई है, इसके अंदर काजू है और पिस्ता भी है इसके अंदर, ये देखिए। तो काजू और पिस्ता इसके अंदर मम्मी दी है मुझे ये डब्बे पे, और ये कुछ बादाम है, थोड़े से लाई हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे बादाम अभी भी पड़े हुए हैं, तो थोड़े से मैं लेके आई हूँ, ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि वो बोलते हैं वहाँ के ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए वो लोग थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी लेके आई है। और ये थोड़े बहुत कॉफ़ी इसके जैसे है, पैकेट है, तो इंस्टेंट कॉफ़ी बनते हैं इससे, ये भी है। और एक चीज़ है जो सच में मुझे बहुत पसंद आया, दिखाती हूँ, ये पर्स। सच में ये सीलिंग पर्स बैग जो है सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो देखिए, ये सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, इसका फर देखिए कितना क्यूट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। तो ये ऐसे है, इसको आप दोनों तरीका से ले सकते हैं, चाहे तो आप इसको ऐसे ले लीजिए हाथ में, और चाहे तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं एक साइड ऐसे करके। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे सबसे अच्छा लगा इसकी ये चीज़,
बहुत क्यूट है। आप इसको कोई भी पार्टी वेयर ड्रेस पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा पार्टी वगैरह में जाने के लिए। तो वैसे भी मैं सोच ही रही थी कि मैं एक पार्टी के लिए एक बैग खरीद दूँ। मेरे पास जो भी है अब सब पुराने हो गए हैं तो नया कुछ था नहीं, तो मैं सोच रही थी तो चलो मेरे पास ये आ गया तो अब मैं खरीदूंगी। तो बस यही था और ज़्यादा कुछ लाई नहीं थी, और भी एक दो सामान जो लेके आई है मैं लेके नहीं आई हूँ वो अभी तक, तो मैं उसे नेक्स्ट कोई ब्लॉग में दिखा दूँगी या बाद में मैं कोई समय मम्मी के यहाँ जाऊँगी तो वहाँ दिखा दूँगी। एक साथ सारा सामान लाना पॉसिबल नहीं था इसलिए मैं एक साथ सब कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि कैंडी भी था और ऑलरेडी खाने वाने का भी बहुत सारा सामान था तो वही सब था बोल के मैं और ज़्यादा नहीं लेके आई। जो छोटा छोटा सामान था वही सब भी लेके आ गई, और बड़े बड़े जो चीज़ थे वो मैं अभी वहीं छोड़ के आई हूँ, वो नहीं लाई हूँ। तो यही था जो दुबई से मेरी सिस्टर लोग लेके आई थी। और तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे बताइएगा, और आप वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट में मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि कैसा लगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बगल में छोटे से बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, उसके साथ ऑल को जरूर से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ। बाय बाय।